एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। इस ट्रेडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या होगी, किस एनर्जी में रहेंगे, किस माइंड सेट में रहेंगे और एक्शन क्या हो सकता है उनका आपके प्रति, आप क्या रहें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। ये रीडिंग आपसे मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो रहा है तो जान जाइएगा ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसा भी होता है कुछ रीडिंग रेजोनेट करता है, कुछ नहीं करता है, तो जितना भी रीडिंग आपसे मैच हो उतना ले जाइएगा, जो नहीं होता उसको टोटली इग्नोर करना है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं आज इनके पार्टनर आज पूरे दिन क्या सोचेंगे इनको लेकर, मेरे रिवर्स को लेकर, क्या होगी इनके पार्टनर की फीलिंग्स, इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचेंगे। फूल, आपके पार्टनर मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर इनसिक्योर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा जेलसी फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चांसेस है किसी और के साथ देखा है, फ्लर्ट करते हुए, बातचीत करते हुए, या पिक्चर में आपको देख लिया या किसी से सुन लिया, तब दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, दूरियां हैं, काफ़ी दिन हो गया है, ये रिसेंटली आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच, किसी ने कान भर दिया है, भड़का दिया है, आपके खिलाफ कर दिया है, या तो आपसे फाइट हुआ है, आप शक कर रहे हो या तो ये डाउट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर में मिक्स एनर्जी में देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके बारे में, तो मन की एनर्जी में है, सारा दिन आपके बारे में सोचते रहेंगे, सारा दिन आप इनके मन में घूमते रहोगे, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहेंगे और इनका मन उदास रहेगा। वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा इस टाइम, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो वो मेरे बिना कैसे जी रही है, क्या वो मुझे याद करती है या करते हैं कि नहीं, क्या उसका मन नहीं करता क्या मेरी वॉइस सुनने का, मुझे देखने का, मुझे टच करने का, मुझे प्यार करने का, मुझसे बातचीत करने का, मैं तड़प रहा हूँ उसके अलावा, मैं कितना उदास हूँ उसको नहीं बता रहा हूँ, पर क्या वो फील कर रही होगी कि नहीं, कर रहा होगा कि नहीं, जो मैं उसको इतना याद कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा उदास क्यों हो रहा हूँ यार, क्या वो ठीक तो है ना, वो सही तो है, मैं अचानक इतना ज़्यादा उदास क्यों फील करने लगा या क्यों फील करने लगी। आपके पार्टनर अचानक से काफ़ी इनसिक्योर फील करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, फियर में दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी दिनों से उदास हैं। हाँ, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तब से मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, पर अचानक से जो डर है, फियर है, उदासियाँ हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, नहीं तो पहले तो सब कुछ सही था, बहुत खूबसूरत था आपका जो रिश्ता है, बिल्कुल बैलेंस था आप दोनों का जो कनेक्शन है, सेम एफर्ट्स था, इक्वल गिव एंड टेक था, काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन में आप रहे हो, ऐसा लगा कि इस रिश्ते का फ्यूचर है, इसके बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है, बातचीत काफ़ी अच्छे से होती थी। पर अब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया है, आप दोनों नाराज़ हो, या तो कोई एक पर्सन नाराज़ है, किसी एक पर्सन ने अपने अराउंड बाउंड्री सेट कर लिया है, जहाँ पर ऐसा एनर्जी है कि मुझे इसे बातचीत नहीं करने हैं, मुझे नहीं करना है इसे बातचीत, वहीं आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो ये मुझे किसी और से भी बातचीत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये नाराज़ हैं, तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, मुँह फुला हुआ है आपके पार्टनर का किसी वजह से, किसी रीज़न से, ये तो आप इनसे नाराज़ हो, ठीक है, ये काफ़ी दुखी है, कैसे मनाएं, कैसे बात करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है ऑलरेडी बातचीत करने की कोशिश करी है, या इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप मानोगे कि नहीं, कब मानोगे, क्या इनको कोशिश करना चाहिए बातचीत करने का, सही होगा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बिगाड़ दे कुछ, बिगड़ जाए कुछ। आपके पार्टनर सोच रहे हैं क्या इसे मिलकर बातचीत करूं, क्या कुछ प्लान बनाऊं मिलने का, मीटिंग का, पता नहीं वो मुझसे मिलने के लिए मानेगी भी कि नहीं, मानेगा भी कि नहीं, इस तरह का भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ये सब सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आज पूरा दिन इनके मन में होगा पास्ट की मेमोरी भी, बातें भी, जो आप दोनों के बीच हुआ, फाइट हुआ, आप दोनों का साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, बात करना, एक दूसरे के साथ हंसना, मुस्कुराना,
गुस्सा करना, फाइट करना, नाराज़गी मनाना, सारा कुछ इनके माइंड में चलेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर और क्या कुछ सोचेंगे। आपके पार्टनर के मन में ये बात भी आएगी कि सब कुछ तो सही था, हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग थी, लव था, इक्वल गिव एंड टेक था, बैलेंस था, प्यार था, कभी लगा ही नहीं कि ब्रेक पर जाएंगे हम दोनों, नो कांटेक्ट हो जाएगा। ये तो काफ़ी होपफुल थे, आप दोनों ही काफ़ी होपफुल थे। आप दोनों ने फैमिली डिसाइड कर लिया था, सपने देख लिया था, पर अचानक ये क्या हो गया, अचानक थर्ड पार्टी आ गई या ब्रेक हो गया आप दोनों का, आप दोनों का फाइट हो गया अनएक्सपेक्टेड। क्या ये किस्मत में लिखा था आप दोनों का मिलना बिछड़ना, एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ फैमिली वाला ड्रीम्स देखना, इमेजिन करना, होपफुल रहना, एक दूसरे को लेकर बच्चे तक का सपने देखना। ये सब होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना खूबसूरत रिश्ते में होने के बाद अचानक क्या हो गया? आप दोनों का बेबी भी ऐसा हो सकता है, तो आपके पार्टनर उदास हैं, ठीक है। अचानक क्या हो गया, क्या किसी की नज़र लग गई आपके ब्यूटीफुल कनेक्शन को, आपके प्यार को? किसकी नज़र लग गई, किसकी बुरी नज़र लग गई? इनको ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों का फाइट हुआ भी या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच अगर आया भी, पर इनको आपसे बातचीत करना नहीं छोड़ना चाहिए था, ये इनसे गलती हो गई, दूरियां नहीं बनाना चाहिए था, दूर नहीं होना चाहिए था, या किसी तीसरे को अलाउ नहीं करना चाहिए था, नहीं लाना था आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। गाइस मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ, पता नहीं ये किनके पार्टनर की एनर्जी है, पर इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी जगह अगर आपके पास ऑप्शंस रहे या आपके पास ऑप्शन है या आयो, तो आप अपने फैमिली को चूज करोगे, ये इनकी फीलिंग्स है। आप इनका दिल तोड़ दोगे, आप धोखा दे सकते हो, चीट कर सकते हो, इनसे मुंह मोड़ लोगे तो इनका क्या होगा? अगर आपने किसी और को चूज कर लिया तो इनका क्या होगा, चाहे फैमिली हो चाहे कोई और पर्सन हो? तो इस तरह का इनसिक्योरिटीज भी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप मुंह मोड़ो, आप इनको हर्ट पहुंचाओ, उससे पहले इन्होंने खुद ही आपसे मुंह मोड़ लिया, ऐसा कुछ भी मुझे एनर्जी मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। ये बस मुझे इनके दिमाग में ही दिखाई दे रहा है, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। बस इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ ऐसा हो सकता है, आप हर्ट पहुंचा सकते हो, आप किसी और को चुन सकते हो, यह रिश्ता नहीं चला तो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या इन्होंने सोच रखा है, इतना सब कौन सोचता है। ये खुद ही आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इतना सब सोचकर, जबकि प्यार है आप दोनों के बीच, होप है, एक अच्छी फैमिली बन सकती है, यहाँ पर बहुत आगे जा सकता है आप दोनों का जो कनेक्शन है, पर ये अपने मन ही मन में पता नहीं क्या उठ पटांग नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर आज के दिन क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर का एक्शन क्या होगा, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं? इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, ज़्यादा कुछ कर रहे हैं मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ, बाकी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, खूबसूरत सा पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, डीपी रख सकते हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कुछ हो सकते हैं इन दोनों के बीच, इनके पार्टनर के एक्शन क्या होगा।
मुझे कुछ लोगों के बीच फाइट होने का चांसेस दिखाई दिया है, तो थोड़ा सा बचकर। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शन क्या कुछ हो सकता है आज के दिन। ज़्यादा कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। मुझे दूरियाँ बनाती हुई दिखाई दे रहे हैं, अभी भी दूरियाँ बना रहे हैं ये, पर आपको स्टॉक ज़रूर करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शन और क्या कुछ हो सकता है आज के दिन। इनके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन लाएंगे, ठीक है। अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, दूरियों को ख़त्म करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए कोई एक्शन ले दो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने फेवर में कर रहे हैं, किसी को सिस्टर है, फ्रेंड है, या इनकी मदर है, कोई है जिनसे इमोशनली ये जुड़े हैं, वो इनसे जुड़े हैं। मुझे किसी के सपोर्ट से, किसी के प्यार से आपसे दूरियों को मिटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच कंप्लीशन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूरियों को ख़त्म करते हुए मिटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। वहीं कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आज के दिन मुझे ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी दिखाई दे रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट में हो, टच में हो, तो फाइट से बचिएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो क्लियरली अपनी बात इनके सामने रखिए। ऐसे वे में रखिए कि इनको हर्ट ना हो, इनको आपकी बातें बुरी ना लगे। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात हर्ट कर रही है, तकलीफ पहुंचा रही है, तो वो चीज़ आपको इनको बतानी है, ठीक है। अगर ये आपके लव में होंगे, आपसे प्यार करते होंगे, डेफिनेटली आपको समझेंगे, कुछ ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो आपको हर्ट पहुंचाए। और जाने अनजाने में अगर पास्ट में इनसे मिस्टेक्स हो गई, आपको हर्ट पहुंचाया, तो सॉरी कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे और दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए फाइट होने का चांसेस है, उससे बचकर मैच्योरिटी के साथ डील कीजिए। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, पर अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नई शुरुआत होने में कुछ दिनों का, कुछ वीक्स का टाइम लग सकता है। नई शुरुआत हो रही, जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट में थे, दूरियाँ था आप दोनों के बीच, वहीं मिरेकल्स हो रहे हैं। अचानक से अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगनिंग हो रहे हैं, नई शुरुआत हो रहे हैं, या न्यू लव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। न्यू प्रपोजल आ रहा है, ये प्रपोजल वर्क का भी हो सकता है, या वर्क वाले एरिया से कोई आपको प्रपोज कर रहा है, ऑफर कर रहा है, ये वर्क का भी ऑफर हो सकता है, जहाँ पर आप अपने लव से मिलो, किसी ऐसे पर्सन से मिलो जिनसे आपको बहुत प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।